बच्चों तुमसे एक जरा बात करनी थी। मैं वचन हिंदी में दिला दूं, वो बात दरअसल ऐसी है ना, संस्कृत में मेरा थोड़ा सा हार्ट टाइट है। वैसे मेरे को इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, रशियन भी आती है, पर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कहो तो दिला दूं वचन। क्यों पंडित जी, आपने संस्कृत नहीं सीखी? अरे बेटा सीखी थी, गुरुकुल में हमारे गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि मेरे को संस्कृत सिखा ही नहीं पाए। कोई बात नहीं पंडित जी, आप कंटिन्यू करो। तो बेटा पहला वचन इस प्रकार है, यदि आप कभी भी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो अपनी अर्धांगनी को अपने संग लेके जाओगे। कोई व्रत उपवास अथवा कोई धर्म कार्य करोगे तो अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखोगे। यार इस कुंडली भाग्य सीरियल में सच में प्रीता के तो भाग्य ही खराब है। बेचारी कितनी अच्छी है, फिर भी उसके साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सिब्बू सुनो। हाँ जी। मैं क्या सोच रहा था? हाँ जी, क्या सोच रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम माता वैष्णो देवी चले माता के दर्शन करने के लिए। है वैष्णो देवी? हाँ, वो लास्ट टाइम ना मैं बचपन में गया था, तो काफी टाइम हो गया है वहाँ पे गए हुए, तो सोच रहा था कि साथ चलते। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मैं भी एक बार बचपन में गई थी स्कूल टाइम में फैमिली के साथ। तो ठीक है फिर हम साथ में चलते हैं। हाँ जी, वैसे आप कितने अच्छे हो ना, माता के दर्शन करवाने मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो। अरे अच्छा तो होऊंगा ही ना, मेरे को अपने सारे वचन याद है जो मैंने शादी में तुम्हें दिए थे। मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। सिब्बू सुनो, मुझे ना तुमसे एक बात बोलनी है। हाँ जी बोलिए ना। वो करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। पर ऐसा क्यों, आजकल तो ऐसा कोई भी नहीं करता। अरे तो कोई भी नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो करूंगा ना। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि कोई भी व्रत या उपवास होगा तो मैं अपनी बीवी का साथ दूंगा। रचित मैंने खाना बना दिया है, आप कहो तो खाना लगा दूं। अरे खा लूंगा, खाना भी खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ, ये देखो गाड़ी की चाबी। और गाड़ी की पूजा सबसे पहले तुम करोगी, और सबसे पहले गाड़ी भी तुम ही चलाओगी, और गाड़ी का जो हवन होगा उसमें तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो उसमें तुम मेरे साथ रहोगी। ये लो गाड़ी की चाबी। अरे हाँ भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलते हैं भाई चलते हैं। एक काम करता हूँ, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। चलते हैं? कहाँ चलते हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, वो थोड़ा दोस्तों के साथ घूम के आने का प्लान है। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कब बना? अरे जस्ट अभी तुम्हारे सामने फोन पे। कोई दिक्कत है क्या? अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो जा रहा हूँ। अच्छा मतलब ये जो 3-4 दिन से जो तुम्हारी खिचड़ी पक रही है, कभी इधर फोन पे बात कर रहे हो कभी उधर फोन पे बात कर रहे हो, ये तुम्हारा घूमने जाने का प्लान बन रहा था ना? यार तू पागल वागल है क्या, फालतू में शक करे जा रही है, हद होती है यार। क्या कर रहे हो ये, किस लिए कर रहे हो? मेरा सामान भी डालो इसमें। तेरा सामान? पर क्यों? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता, शादी का पहला वचन भूल गए क्या? शादी में तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम कहीं भी जाओगे मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। हाँ तो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा पे जा रहा हूँ, वो भी दोस्तों के साथ। तुझे कहाँ लेके जाऊंगा मैं अपने दोस्तों के साथ? अगर उनकी बीवियाँ चलती तो तुझे भी ले चलता फिर। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे भूल जाओगे, मैं भी चल रही हूँ। अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हें बाद में कहीं पे अपने साथ ले चलूंगा, अभी तो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं कोई गोवा या फिर थाईलैंड थोड़ी जा रहा हूँ। अच्छा मुझे क्या पता। ओए, ओए।
अरे यार तुम इतना शक कर रही हो फिजूल में, ऐसा कुछ तुम्हें लगे तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेना, क्लियर हो जाएगा सब, क्यों टेंशन ले रही हो। चल मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे होंगे। दोस्त नीचे भी पहुंच गए? अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारा अभी फोन पे प्लान बनाया। अरे मतलब अभी अभी नीचे आए और नीचे आके अभी अभी उन्होंने प्लान बनाया। यार तू तो जानती है ना विना कितना हरामी है। चल मैं जाता हूँ, ठीक है? हाँ जाओ जाओ, पकड़ो अपना सामान, जाओ यहाँ से। बाय। हाँ भाई चले फिर। हाँ भाई चलते हैं, घर पे क्या बोल के आया तू? माता वैष्णो देवी। हरामी हो। और यश तू? मैं केदारनाथ। अरे तू क्या बोलकर आया, अपनी तो बता। भाई मैंने भी वही बोला यार, माता वैष्णो देवी, फिर उसके बाद चार धाम की यात्रा। लेकिन यार मेरी बीवी बोल रही थी वो वीडियो कॉल करेगी। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरी प्रीपेड सिम है ना, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं मिलेंगे। अरे ये सही है यार, फिर तो चल चल जल्दी गाड़ी लगा एयरपोर्ट पे, हमारी थाईलैंड की फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। बूम बूम करेंगे, क्या करेंगे, बूम बूम बूम। चलो चलो चलो, गाड़ी लगा एयरपोर्ट पे जल्दी। रचित तुम्हें पता है ना कल करवा चौथ है और मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, रखो रखो व्रत रखो, लंबा जीऊंगा मैं। रचित कल मेरा व्रत है और तुम्हें भी मेरे साथ व्रत रखना पड़ेगा। मैं कैसे व्रत रखूंगा यार, मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होती। क्या कंट्रोल नहीं होती, ये कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं होता। अरे मेरे से भी तो नहीं होती भूख कंट्रोल, पर मैं रखती हूँ ना व्रत, भूखी रहती हूँ ना, तो तुम्हें भी रखना पड़ेगा। और तुम अपनी शादी का पहला वचन नहीं निभाओगे, वचन याद है या नहीं कि तुम्हें साथ में व्रत उपवास रखना है? हाँ ये याद है। हाँ तो ये मुझे दो और चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ वो करो। लेकिन मैं कैसे? जैसे मैं करती हूँ। देखो तुम्हें कसम है। किसकी? हमारे प्यार की। ठीक है सिब्बू। अरे भाई तू लंच नहीं ला जाए, पिज्जा खा रहा है भाई वो ना। अरे कोई बात नहीं यार, मेरा भी बीवी ने व्रत रखवाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, आजा आजा। अबे सही है यार, ऐसी की तैसी व्रत की। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ भाई। खाओ खाओ भाई मजा आ गया। भाई एक मिनट एक मिनट, बीवी का फोन। हेलो हेलो। हाँ बीवी। रचित तुमने कुछ खाया तो नहीं ना, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है। अरे नहीं नहीं मैं कहाँ कुछ खाऊंगा, मैं तो यार ऑफिस में बैठ के भूखा मर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा चलो मैं ना बाद में बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। अच्छा ठीक है बाय। ओके बाय, लव यू बाय। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। सिब्बू सिब्बू वो मैं ये कह रहा था कि कल शाम को ना मैं नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अच्छा तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं साथ चलने की क्या जरूरत है, यहीं गाड़ी घर पे ले आऊंगा, उसके बाद जो पूजा पाठ है या जो भी रीति रिवाज है यहीं पे कर लेना ना। अच्छा ठीक है, तो शाम को पक्का लाओगे ना गाड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का ले आऊंगा, बिल्कुल पक्का। यार कहाँ रह गया अभी तक, फोन ही कर लेती हूँ। हेलो 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 रचित कहाँ रह गए, गाड़ी नहीं ली क्या अभी तक? गाड़ी हाँ गाड़ी ले ली मैंने, गाड़ी ले ली। अरे तो फिर कहाँ रह गए, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, कहाँ हो तुम? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। शांत हो जाओ यार शांत हो जाओ, मेरी बीवी का फोन है, थोड़ी देर भाई बोलो मत। हेलो हेलो हाँ हाँ बीवी। रचित हो कहाँ तुम, तुमने मुझे वचन दिया था ना कि धर्म कार्य में तुम मेरे साथ रहोगे। अरे हाँ मेरे को याद है लेकिन अभी पूजा वूजा नहीं कर रहा ना मैं, वो तो करेंगे। हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 अरे भाई चलना पार्टी वार्टी करते हैं यार, भाई ने नई गाड़ी ली है और ये बीवी को छोड़ना यार।
अबे भाई तूने नई गाड़ी ली है, इस गाड़ी को शिमला में लगा। वहाँ बर्फ पड़ रही है भाई, और तेरे भाई दारू पियेंगे तो शिमला की बर्फ में पियेंगे ना भाई। अबे यार मैं तो सही फंस गया यार, लगता अब तो शिमला ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी जगह आप होते तो आप कहाँ जाते, घर पे लुगाई या फिर शिमला वाली खाई? चले मेरे भाई, चलो शिमला। शिमला ये। अब पैक बना, पैक पैक बना। तो बेटा दूसरा वचन ये है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के माता पिता का सम्मान करेंगे। अरे पंडित जी आप भी करते हो क्या? अरे सारी पोल पटिया जी खोलेगा क्या? साइड में कैमरा कर। मम्मी आप अकेले ही आए, साथ में पापा नहीं आए? बेटा पापा की तो बहुत तबीयत खराब चल रही है, रोज रोज हॉस्पिटल क्लिनिक के चक्कर लगा कर ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे मम्मी जी आप कब आए? अरे बैठो बैठो बैठो। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बताओ मम्मी जी, पापा जी नहीं आए, अकेले आए आप? बेटा पापा की तो तबीयत बहुत खराब चल रही है, रोज रोज क्लिनिक और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बेटा मुझे कहने में तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन हमें ना 50,000 की ज़रूरत है। लेकिन बेटा तुम परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द वापस कर देंगे पैसे। मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो, अभी लेके आता हूँ, बैठो एक मिनट। मम्मी जी ये लो पूरे 50,000 हैं। और क्या आप ये बातें कर रहे हो कि पैसे लौटा देंगे? अरे मेरे माँ बाप बीमार हैं, क्या मैं उनको उधार पैसे दूंगा क्या? ये बातें मत किया करो मम्मी जी, आप इलाज कराओ पापा जी का, और कल को कोई और जरूरत हो, घर बनवाना हो आपका तो मैं हूं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कल को अगर आपका निकम्मा बेटा ना कमाए तो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कल को अगर आपको अपने पोते की परवरिश में कोई नीड पड़े तो मुझे बताना, मैं हूं ना मम्मी जी, आप इलाज करवाओ पापा जी का। मम्मी जी आप और पापा जी तो मेरे लिए बिल्कुल परम पूजनीय हो, देवता के समान हो आप दोनों। आप दोनों बातें करो, इतने मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं, मीठा कम। मेरे पति तो कितने अच्छे हैं, ये अपने वचन अच्छे से निभा रहे हैं, हे भगवान ऐसा पति सबको दो। मम्मी जी आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, अगर और भी कुछ मदद चाहिए हो ना तो साफ साफ बोल देना, शर्माना मत, ये बहुत अच्छे हैं। रचित, रचित क्या आग लगी है तेरे को बोल। अरे यार वो मम्मी पापा का फोन आया था, वो आज शाम को घर पे आ रहे हैं, उनको कुछ काम है। मम्मी पापा घर आ रहे हैं, किसने बुलाया उनको है? यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है, जिसका मन करेगा वो उठा के आ जाएगा, मुझे पता है पक्का ना कुछ मांगने के लिए आ रहे होंगे। मेरा हाल चाल सुख दुख तो कभी पूछना नहीं होता कि बेटा कैसा है कैसा नहीं है, एक बार फोन करके पूछ ले, वो तो उनसे होता नहीं है, चुपचाप उनको मना करते, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मना कर देती हूँ। हेलो मम्मी पापा देखो आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, आप दोनों को यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ये साफ साफ मना कर रहे हैं। अरे इनके बस की नहीं है आप लोगों की सेवा करना, तो आप लोग यहाँ बिल्कुल नहीं आओगे। तूने सच में मना कर दिया? हाँ। मतलब तूने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया यहाँ आने से? हाँ मना कर दिया, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा को, क्योंकि उनका ही फोन आया था यहाँ आने के लिए। क्या? हे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया। हेलो हेलो मम्मी हेलो। हे भगवान। तो बेटा तीसरा वचन ये है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धावस्था में अपनी पत्नी की पूरी सेवा करेंगे। अरे अरे क्या हुआ, ये लो गरम गरम चाय ये पियो, और ये मेडिसिन भी लेनी है, और मेडिसिन से पहले ये फ्रूट्स खाओ, लो। थैंक यू सो मच। तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पैरों में भी सुबह से इतना दर्द हो रहा है। शर्त है ये मेरी जो मेरे हो मेरे रहो। अरे अरे क्या कर रहे हो आप, ये कोई बात नहीं रहने दो,
अरे ऐसे कैसे रहने दूं? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जीवन की हर अवस्था में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और अभी तो तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है ना, अभी पैर दबाने के बाद तुम्हारा सर भी दबाऊंगा। खाओ खाओ तुम फ्रूट्स खाओ। अरे क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो आप? अरे वो नीचे ना एक फॉग गिरा हुआ था, तो अगर कहीं तुम्हें लग जाती तो। हाउ स्वीट। अच्छा वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं वॉशरूम। वॉशरूम? एक मिनट रुको। अरे आप जा कहाँ रहे हो? मैं जोरू का गोला। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे बेबी टॉयलेट की सीट साफ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। पर क्यों? अरे बेबी तुम्हें पता नहीं है क्या कि टॉयलेट की सीट पे कितने सारे जर्म्स होते हैं? अगर तुम्हें बाय चांस कहीं इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत आज कितनी खराब है, मुझे दो मिनट दो में से अभी चमका देता हूँ। हाय मेरा पति कितना अच्छा है। मेरा पति मेरा देवता है। ओ, 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 सो जाना बेटा सो जा, क्यों रो रहा है बच्चा, सो जाना बेटा। देख मम्मा को पार्टी में जाना है ना, सो जाना बेटा। रचित देखो ना ये तो सो ही नहीं रहा है, और मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ साथ, ये मेरा भी तो बच्चा है, इसको दूध पिलाना है मैं पिला दूंगा बोतल से, इसके डायपर चेंज करने हैं इसके डायपर मैं चेंज कर दूंगा, इसको खाना खिलाना है खाना भी मैं खिला दूंगा। लाओ इधर दो तुम, इधर दो। आजा 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 मेरे बच्चे, आराम से तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो, जाओ। थैंक यू बाय। सो जा बेटा सो जा। ओ ओ ओ लल्ला लल्ला लोरी। और कितनी सेवा करोगे, जवानी के दिनों से सेवा करते आ रहे हो, और कब तक सेवा करोगे जी? जब तक मैं मर ना जाऊं। अरे कहाँ जा रही हो? वो बाथरूम। अरे रुको पहले मैं जाके बाथरूम साफ तो कर दूं। हाय मेरा पति कितना अच्छा है, हे भगवान, और कितना सुख लिखा है मेरे भाग्य में। हाय मैं मर जावा। तथास्तु। क्या हुआ कैसे हुआ जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। आय हाय मेरा सर। अरे सर तू बाद में दबाइयो, तू पहले मेरा पैर दबा, और पैर के बाद मेरी कमर में मसाज भी कर दियो। हटो यार रचित, तुम्हारे बस की ना कुछ भी नहीं है। हाँ तो तेरे बस की तो बहुत है ना, हट यार तू मेरे को वॉशरूम जाने दे, हट यहाँ से चल। सिब्बू सिब्बू यार अब क्या हो गया? अरे क्या हो गया, मरमरा तो नहीं गए? क्या है ये क्या गंद मचा हुआ है, घर की साफ सफाई कौन करेगा? मैं इतने गंदे वॉशरूम में जाऊंगा, तेरे से ना एक काम ठीक से नहीं होता। अरे यार तुम्हें पता तो है वो काम वाली वॉशरूम साफ नहीं करती ना। अरे तो काम वाली वॉशरूम साफ नहीं करती तो फिर कौन करेगा, तू करेगी ना? मैं क्यों करूंगी, यही काम बचा है क्या मेरे पास बस? अबे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, मैं करूंगा। हाँ तो कर नहीं सकते हो क्या? मैं नहीं कर रहा, तू करेगी। तू? मैं नहीं करूंगी। मैंने बोल दिया ना ये वॉशरूम साफ तू करेगी। मैं नहीं करूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं दो दिन इसको तू साफ कर दियो, एक दिन मैं भी कर दूंगा। ओह तुम ही करो ये गंद साफ, मैं तो इसे हाथ तक नहीं लगाने वाली। ओ हेलो मेरी बात सुन, तेरे को नहीं करना ना मत कर, चल तू निकल यहाँ से।
मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये साफ करने से अच्छा ना मैं इस गंद में ही बैठ जाऊंगा। चल निकल तू, चल चल फुट। सो जा बेटा सो जा। अरे यार ये तो चुप ही नहीं हो रहा। रचित रचित प्लीज एक बार आके बेबी को संभाल लो ना। मैं ही करूँ सब कुछ, तू संभालना। करती क्या वैसे भी तू सारा दिन घर में बैठ के। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती? अरे घर का सारा काम करूँ मैं, मार्केट से जाके घर का सारा सामान लाऊं मैं, बच्चे को संभालूं मैं, और तुम क्या करती हो? तुम तो सारा दिन ऑफिस में बस जाके बैठे रहते हो। अच्छा मतलब मैं ऑफिस में बैठने के लिए जाता हूँ, काम नहीं करता हूँ वहाँ पे है? हजार तरीके के काम होते हैं मेरे को वहाँ, तेरी तरह आलसी नहीं हूँ मैं, काम करता हूँ ऑफिस जाके। अच्छा आलसी और मैं, आलसी हो गए तुम, ठीक है। और बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा भी है। हाँ हाँ मुझे पता है ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन ना ये घर भी मेरा है और मेरा घर मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है फिर, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं जा रही हूँ। अबे ओ कहाँ जा रही है, बकवास बंद कर, चुपचाप मेरे बच्चे को संभाल। चुप हो जा बेटा, संभाल इसे। अपने साथ साथ मुझे भी रुला रहा है। सो जा सो जा सो जा। सुनो जी बड़ी ठंड हो रही है, एक कप चाय बना देते। अरे सुन भी रहे हो क्या? अरे एक कप चाय बना दो। अरे सुन रहे हो क्या? एक कप चाय बनाने को बोल रही हूँ। ये आदमी कुछ नहीं सुनेगा, मैं ही जाके चाय बना लेती हूँ। अरे सुनो, साथ साथ एक कप मेरी भी बना देना। अब पागल नहीं है भैया, और उसमें चीनी कम डालना। तो बच्चों आप दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, तो चौथा वचन इस प्रकार है, भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं का दायित्व बेटा आपके कंधों पर है, मतलब तुम्हारे शोल्डर्स पे। मेरे? देखो मुझे इंग्लिश भी आती है ना। ये लो तुम्हारे लिए नया आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 प्रो मैक्स? तुम्हारा नया फोन। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे यार जरूरत थी इसकी, उस दिन जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था तो तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही थी, और इसकी तुम्हारे फोन की तो स्क्रीन भी टूट चुकी है, और मुझे पता है इसकी बैटरी भी बहुत कम चलती है, ये खराब हो चुका है, तो तुम्हें जरूरत है नए फोन की, रख लो। हाय मेरा पति तो कितना प्यारा है, ही इज द बेस्ट। रचित रचित मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुको 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 रुको, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? ये लो ये है नई स्कूटी की चाबी। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों? अरे यार तुम डेली डेली रिक्शा से स्कूल जाती हो, थक जाती होगी, परेशान हो जाती होगी, तो अब कंफर्टेबली जाना स्कूटी पे। अरे पर ये इसकी क्या जरूरत थी? अरे यार जरूरत है, मुझे अपना वचन याद है, मैंने वचन दिया था ना कि तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, तो बस इसीलिए। सिब्बू सिब्बू सिब्बू। हाँ क्या हुआ? अरे ये लो ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैंने अपना घर प्रॉपर्टी और जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दी। मेरे नाम कर दी? हाँ अब देखो हम दोनों की उम्र तो बढ़ी रही है, अब टाइम का तो कुछ पता नहीं है ना यार, अब भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए, तो इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत बोलो। अच्छा बाबा नहीं बोल रहा, पर सोचना तो पड़ेगा ना, मैंने तुम्हें वचन जो दिया था तुम ही संभालो ये सब अब। हे भगवान आप ऐसे पति सबको देना जो अपने सारे वचन निभाए। रुको जरा सबर करो।
रंजित, मुझे iPhone 14 Pro Max चाहिए, मेरा ये फोन खराब हो गया है। ले यार पकड़ iPhone 14 Pro Max। मुझे ना शॉपिंग करनी है, मुझे 20,000 रुपए भी दो, वो भी अभी के अभी। ये ले, अच्छे से थूक लगा के गिल्ली हो पूरे हैं। रचित सुनो, मुझे स्कूटी चाहिए। ये लो। अब मुझे नई कार भी चाहिए, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास कार है, मुझे भी चाहिए। ये लो गाड़ी। ये सब तो ठीक है, मुझे मेरी गर्ल्स गैंग के साथ गोवा ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए मेरे अभी टिकट बुक करो। अरे यार टिकट क्या, ले तो पूरा का पूरा पैकेज ले गोवा का। क्या बात है, मुझे तो बिल्कुल राम जैसे पति मिले हैं जो अपने सारे वचन निभा रहे हैं। रचित तुम कितने अच्छे हो, मतलब तुम्हें अपने वचन याद है, क्या बात है। वचन, कौन सा वचन? अरे भाई जो तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। देख पहली बात तो ये कि मेरे को कोई वचन याद नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहता जिस दिन मैंने ये वचन लिए थे। शादी हो गई सो हो गई। पर रचित तुम तो मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो। ओ अच्छा, ये यार ये तो मैंने तेरे बाप से 20,00,000 रुपए उधार ले रखे हैं। अरे वो किसी का कर्जा उतारना था ना, अब देख जिसका कर्जा उतारना था वो तो मर गया, तो 20 के 20 लाख रुपए मेरे पास पड़े के पड़े रह गए, और ये सारा खर्चा उन्हीं पैसों से तो कर रहा हूँ। अपने पैसे थोड़ी ना उड़ाऊंगा यार तेरे ऊपर, थोड़ा खुद भी तो सोच। इसका मतलब अभी तक मैं अपने खुद के बाप के पैसे उड़ा रही थी। और नहीं तो क्या यार, अब तू देख तेरे पास नया फोन भी आ गया, तेरे पास नई स्कूटी भी आ गई, और तो और तेरे पास नई गाड़ी भी आ गई, लेकिन अब इन सबको इस्तेमाल कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। और तेरे बाप को मैं बोल दूंगा कि तुम्हारी लड़की ने ये सब खरीद लिया है, और 20 लाख में से जो भी 10 लाख रुपए कुछ बचे हैं वो तेरी आने वाले 2-3 साल में जो आवश्यकताएं होंगी उनको पूर्ति करने में खत्म हो जाएंगे। अबे बेवकूफ औरत, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर कभी अपना। हे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। हाय राम हाय राम। तो बच्चों पांचवा वचन इस प्रकार है कि आप अपने घर में कोई लेन देन करोगे, व्यापार या कोई खर्चा करोगे, तो आपको अपनी धर्मपत्नी के साथ विचार विमर्श करना होगा। सिब्बू ये लो, ये मेरी इस महीने की सैलरी। जो भी हिसाब किताब हो तुम ही देखना, रसोई का खर्चा, घर का खर्चा, जो भी है तुम ही मैनेज करना, ये पैसे भी तुम ही मैनेज करो, जो कुछ भी है तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। सिब्बू वो बच्चों की ट्यूशन फीस, प्लम्बर के पैसे, सिलेंडर के पैसे, और बच्चों की स्कूल की फीस। अच्छा सिब्बू वो मेरी दारू पार्टी के पैसे, वीकेंड है ना तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। बस 50 रुपए? हाँ मतलब 50 रुपए भी काफी है, बाकी मैं अपने दोस्तों से कॉन्ट्री करवा लूंगा। ये हुई ना अच्छे पतियों वाली बात। ठीक है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। ओ कहाँ चला, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देखा है कितना ज्यादा आ रखा है। हाँ हाँ वो देखा था। हाँ तो इतने पैसे कहाँ फूके, कहाँ उड़ाए? वो मैंने, अरे वो क्या कर रहे हो बताओ ना। तू मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है, तूने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देखा है? नहीं एक बात बता, महीने में 4-4 बार पार्लर कौन जाता है? अबे तेरी शॉपिंग ज्यादा है मेरी शॉपिंग के आगे, समझी? अबे तू मेरे को छोड़, अपने खर्चे कंट्रोल कर। तो तू मेरे को क्या बोल रही है, तू अपना खर्चा कंट्रोल करना, हट यहां से। अबे ओ जा कहां रहा है, और जो तू अपने दोस्तों के पीछे दारू के चक्कर में इतने पैसे उड़ाता है, मैंने कुछ बोला? अच्छा ऐसे तो तू भी अपनी गर्ल गैंग के साथ किटी पार्टियों में पैसे फूकती है, मैंने तुझे कभी कुछ बोला? अच्छा और जो तू दुबई गया था लाखों रुपए फूक के आया था, मैंने कुछ बोला? अच्छा ऐसे तो तू भी गोवा गई थी पार्टी करने, मैंने कुछ बोला? तू क्या मेरे को बोलेगा, तू अपने खर्चे कंट्रोल कर। तू ना मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खा, मेरे को नहाने दे, चल हट। क्या चल, कमाना धमाना कुछ है नहीं, बस फूकता रहता है पैसे। तो बच्चों छठा वचन इस प्रकार है, यदि आपकी धर्मपत्नी
अपनी सखियों, अपने मित्रों के संग बैठी हो तो कभी भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे। और हर्षिता कैसी है, काफी टाइम बाद आई मुझसे मिलने। अरे हाँ यार, बीच में टाइम ही नहीं मिला तो मैंने सोचा आज ही प्लान कर लेती हूँ मिलने का। सिब्बू, मम्मी ने कुछ काम बताया था, किया नहीं क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा, अभी मैं बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम करो कंटिन्यू। मम्मी क्या यार, मुझे बताया करो ना क्या काम करना है। और बता क्या चल रहा है आजकल? यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तू बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? यार कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है मेरी। वैसे ना मुझे भूख लग रही थी, क्या बना तेरे घर में आज? हाँ जी मैडम, बताइए आप क्या खाएंगे? गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, प्लेन डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, या फिर कुछ और जो आपको पसंद हो? नहीं नहीं, जो आपको सही लगे आप बोलिए। जी मैडम। वैसे ये कौन है? अरे ये मेरे पति थे। पति? मुझे तो तेरे घर में काम करने वाला नौकर लगा। वैसे तेरा पति है बड़ा अच्छा। हाँ हाँ मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं मेरी। हाँ हाँ दिख ही रहा है वो कितनी इज्जत करता है तेरी। हाँ यार शादी के सारे वचन निभाते हैं, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। तू बता तू कब कर रही है शादी? यार वैसे तो मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं था, बट लेकिन अब तेरे पति को देख के ना शादी करने का मन कर गया मेरा भी। हाँ हाँ कर ले कर ले। अच्छा जी। अरे यार मैं तुझे क्या ही बताऊं, भगवान ने मुझे इतने अच्छे पति दिए हैं ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी सारी बातें मानते हैं, और तो और मैं उनकी जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है। अरे बहुत अच्छी बात है यार ये तो। चले। सिब्बू ये कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, हम दोनों साथ में ही रेस्टोरेंट में घूमा करते थे, खाना पीना साथ में ही खाया करते थे, और तो और ये सारा टाइम मेरे घर पे ही पड़ा रहता था, हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही घूमते थे, साथ में ही पढ़ाई करते थे। He is my best 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 friend. Best friend? ये तेरा best friend है? हाँ भाई best friend है तू इसका? हाँ भाई। अच्छा ये best friend है ना तेरा, चल जल्दी बता तेरे और सिब्बू के बीच में कॉलेज टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या चलता है तुम्हारा, कहाँ कहाँ खाने जाते थे, क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, क्यों करते थे, जल्दी बता मेरे को सब अभी के अभी। अरे रचित ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? तू चुप कर, मुंह बंद रख, अपना तरफ से बात कर रहा हूँ मैं, उससे बात कर रहा हूँ ना, तू बोल बता जल्दी। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ दोस्त है, और ये सब तो चलता है ना हंसी मजाक दोस्ती में। अबे ओ करवाऊं तेरा हंसी मजाक, और शादी के बाद ना ये बेस्ट फ्रेंड एक्स होता है एक्स, तू ना मेरे घर से बाहर निकल, बाहर निकल, खड़ा हो निकल यहां से, ये कप नीचे रख, बाहर निकल खड़ा हो। थोड़ा तमीज से बात करो भाई। तमीज साले तुझे मैं सिखाता हूँ तमीज। अबे ओ तमीज गई तेल लेने, भाग यहाँ से। और तू अपनी ना तमीज में रह, आई बड़ी बेस्ट फ्रेंड वाली। तो बच्चों सातवां वचन इस प्रकार है कि आप प्राय स्त्री को अपनी माता के समान समझोगे, ऐसे नहीं ताड़ोगे, और अपनी धर्मपत्नी और अपने प्रेम के बीच किसी प्राय स्त्री को नहीं आने दोगे। आ जाओ जल्दी आओ। पक्का कोई है तू नहीं ना? अरे नहीं नहीं कोई नहीं है यार। यार एक बार देख लो, पक्का घर में कोई नहीं है ना? अरे कोई भी नहीं है। यार मेरी बात तो सुनो यार, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों तो मेरी बहनें हैं। बहनें? हाँ सिब्बू, तुम्हें याद नहीं है क्या शादी के टाइम मैंने वचन दिया था ना कि किसी भी पराई स्त्री को मैं अपनी माँ के समान समझूंगा। अब यार तुम देखो इनकी उम्र माँ वाली तो है नहीं, तो बहने तो बना ही सकता हूँ ना। और हाँ भाभी जी देखिए ना, हम तो राखी भी लेके आए हैं भैया के लिए। हे भगवान मेरा पति तो कितना अच्छा है, मैं बेवजह इस पे शक कर रही थी, ये क्या अनर्थ हो गया भगवान मुझसे। कोई बात नहीं सिब्बू, होता है होता है, कभी कभार हो जाता है। चलो तुम लोग अंदर अपनी भाभी से मिल लो जाओ। भाभी। <भावी। laughs>
क्या सच में ऐसा ही होगा? आज तो मजा आएगा। सुनो, तुमने सही से चेक कर लिया ना? घर पे कोई है तो नहीं ना? कोई भी नहीं है। तुम्हें पता है ना, मेरी बीबी स्कूल से 2:30 बजे आती है और अभी तो सिर्फ 12 बजे, हमारे पास टाइम ही टाइम है। चलो। क्या माल है? माल? माल? अरे सिबू, तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें तो 2:30 बजे आना था ना, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी तो 2:30 बजे होती है, इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम आज? आज सैटरडे है इसलिए हाफ डे हो गया, लेकिन ये सब हो क्या रहा है और ये माल क्या? अरे कुछ नहीं हो रहा, माल और मैंने माल कब बोला, मैं तो बोल रहा था माँ। अरे मेरी माँ, माँ है ना, माँ, माँ, मेरी माँ। नहीं, माल नहीं बोला तुमने। माल? छी छी, क्या सिब्बू, माल नहीं, मैंने माँ बोला, माँ। अरे ये हो क्या रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा सिब्बू। अरे शादी का वचन याद करो ना, वचन दिया था ना कि पराई स्त्री को माँ की नजर से देखूंगा। माँ है, माँ, माँ। माँ की नजर है ये? अरे हाँ, मैं तो माँ के पैर दबा रहा था बस। ये मुझे माँ कम और समान ज्यादा लग रही है। अरे वो सिब्बू, माँ के पैरों में ना ज्यादा दर्द है तो माँ को थेरेपी चाहिए थी। अब थेरेपी के लिए मेरे पास वो सक्शन वाले कप नहीं है ना, तो ऐसे वो मुंह से सक्शन कर रहा था। अरे पर ये आई कहाँ से है? है कौन ये? सिब्बू, अब माँ को घर आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? माँ तो कभी भी आ सकती है ना। बस बेटा बस, तेरा ना बहुत हो गया, तेरे सातों के सातों वचन ना अभी निकालती हूँ मैं। राम क्या हो गया? तेरे को तो मैं बताती हूँ। रुक तू, रुक तू, रुक तू, बड़ा आया। और तू, तू अभी तक यहीं बैठी हुई है? तेरे को भी चाहिए क्या मसाज थेरेपी? निकल यहाँ से। तू आशिक, तू बैंकॉक जाए, तू आशिकी करे, तू लौंडिया बात, तू अरे रजित बेटा क्यों रो रहा है? ये सात वचन सबका बुरा हाल ही करते हैं बेटा। पंडित जी आपके साथ भी यही हुआ था क्या? अरे बेटा रजित क्या बताऊं, इन सातों वचन से ना ही तो कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। सातों वचन संपन्न हुए, ये विवाह संपन्न हुआ। लाओ अब मेरी दक्षिणा दे दो, लाओ माई पेमेंट। तो भाई भेद खुल चुका है और वीडियो आपने पूरी देख ली है, तो वीडियो कैसी लगी मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ और फेवरेट पार्ट बताओ पूरी वीडियो से। बहुत सारे सीन थे इसमें और सारे रिलेटेबल थे और शादी के सात वचन आपने देख लिए। तो भाई मैरिड लोग सावधान रहो अपनी पत्नियों से, और जिसकी शादी होने वाली है वो भी सावधान रहो, और पत्नियां वीडियो को देख के सीख लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वीडियो जनरली कैसी लगी मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो शेयर कर दो वीडियो को, और बहुत जल्दी एक और ऐसी धमाकेदार और मस्त वीडियो लेके आऊंगा। कैसी लगी शादी के सात वचन जल्दी कमेंट करो। बाय गाइस, लव यू, बाय।